हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी A1 Plus। हमारे पास दोस्तों फ़ोन है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो इसमें दोस्तों FRP लगी है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे, अगर आपके पास रेडमी A1 Plus फ़ोन है और उसमें आपसे FRP लग जाती है तो उसकी FRP आप किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपना फ़ोन दोस्तों वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है। तो मैंने अपना फ़ोन दोस्तों वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया और जैसे ही हम इसे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों पैटर्न और गूगल अकाउंट मांगता है, इससे आगे हमारा फ़ोन दोस्तों नहीं जानेगा। और इसमें जो वर्जन है वो एंड्रॉयड 12 वर्जन दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ फ़ोन है। और इसमें जो दोस्तों टेलबैक वाला भी तरीका मेथड जो है काम करता है, पर हम टेलबैक से ही दोस्तों आपको बिल्कुल नया तरीका बताएंगे, क्योंकि कुछ फ़ोनों में ऐसा होता है टेलबैक से दोस्तों यानी कि गूगल जो असिस्टेंट होता है वो ओपन नहीं होता। तो इसमें दोस्तों हम बिल्कुल आपको टेलबैक से नया तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना और वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपना फ़ोन दोस्तों बिल्कुल आपको बैक कर लेना। बैक करने के बाद दोस्तों वॉल्यूम अप और डाउन से इसका टेलबैक दोस्तों ऑन करना है। तो मैं इसका टेलबैक दोस्तों ऑन कर लेता हूँ। वॉल्यूम अप और डाउन से दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना और इसका टेलबैक यहाँ टर्न ऑन पर क्लिक करना। फिर से एक बार हमें दबाना है यहाँ वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटनों को एक साथ दबाना है। और जैसे ही हम दबाएंगे दोस्तों जो हमारे फ़ोन का टेलबैक है वो बिल्कुल ऑन हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्लोज़ कर देना, मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। पहले क्या था दोस्तों कुछ उसमें यानी कि एंड्रॉइड 12 में हम उल्टा एल बनाए थे, इसमें दोस्तों बिल्कुल सीधा एल बनेगा। तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ दोस्तों फिर आपको जाना है टेलबैक सेटिंग पर। तो यहाँ से मैं टेलबैक सेटिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे हम टेलबैक सेटिंग पर क्लिक करेंगे डबल बार, फिर दोस्तों यहाँ आपको मिलेगा वर्ली कीवर्ड का ऑप्शन। देखें दोस्तों एरिया यहाँ डबल क्लिक होगा, इस पर क्लिक करना आपको। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ से इसका जो वो है सबसे ऊपर सेटअप वर्ली कीवर्ड का जो ऑप्शन है सबसे ऊपर इस पर जाना है। तो मैं चले आता हूँ और जैसे हम इस पर जाएंगे टेलबैक हमारा दोस्तों ऑन है भी। डबल बार क्लिक करना है, फिर यहाँ दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। तो मैं सेटिंग में चले आता हूँ और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों ये जो है टेलबैक वर्ली कीवर्ड का जो ऑप्शन है इसे ऑन कर देना। फिर आपको करना क्या दोस्तों अपना फ़ोन बिल्कुल बैक कर लेना। तो मैं बैक कर लेता हूँ और बैक करने के बाद दोस्तों अपना फ़ोन का जो टेलबैक है उसे ऑफ़ कर लेना। तो मैं यहाँ से ऑफ़ कर लेता हूँ। वॉल्यूम अप और डाउन से दोनों बटनों को एक साथ दबा के इसका टेलबैक जो डिसेबल कर लेना। फिर आपको नेक्स्ट करना है, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है जहाँ हमने वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट करा था वहाँ जाना है, ऐड नेटवर्क पर हमें क्लिक करना। तो मैं चले जाता हूँ, यहाँ से हमें बैक करना है एक बार। यहाँ फिर दोस्तों ऐड नेटवर्क का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना और इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको सबसे नीचे यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हो दोस्तों यहाँ नीचे ऑप्शन है इसका जो हमने अभी ऑन करा था वो कीवर्ड। फिर इसके बाद दोस्तों आपको जाना है टेलबैक वर्ली कीवर्ड तीसरे नंबर पर यहाँ क्लिक करना। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों फिर यहाँ टर्न ऑन एक्जिबिलिटी सेटिंग पर जाएंगे। तो इस पर क्लिक करना है और फिर सबसे ऊपर जो है एक्जिबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन है इस पर जाना है। तो मैं इस पर चले जाता हूँ और इस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ से एक्जिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट इसे यहाँ से ऑन करना है। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और जैसे ही हम ऑन करेंगे दोस्तों यहाँ जो यहाँ हमारे डिस्प्ले पे तीन यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ असिस्टेंट पे जाना है। और यहाँ जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ जो गूगल असिस्टेंट होता है वो दोस्तों यहाँ आ जाएगा। तो आपको यहाँ नेक्स्ट करना है, तो मैं कर लेता हूँ। फिर यहाँ दोस्तों इंग्लिश सेलेक्ट करनी है और यहाँ डन। और फिर दोस्तों यहाँ क्या है हमारा माइक का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको दोस्तों माइक पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। और माइक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ बोलना है ओपन सेटिंग। तो दोस्तों माइक पे दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ माइक पर क्लिक करा, यहाँ बोलना है दोस्तों ओपन सेटिंग बोलना है दोस्तों, यहाँ लिखना नहीं है। तो जैसे ही हम बोलेंगे ओपन सेटिंग हमारे फ़ोन की जो सेटिंग होती है वो दोस्तों खुल जाएगी। फिर यहाँ खुलने के बाद हमें सबसे पहले ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ फिर CL36 ऐप जो लिख रहा है इस पर क्लिक करना। फिर सबसे ऊपर एंड्रॉयड सेटअप जो एप्लीकेशन है इसे कुछ टाइम के लिए फोर स्टॉप कर देना। फिर इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ गूगल प्ले सर्विस एक एप्लीकेशन हो रहा है इसे भी कुछ टाइम के लिए डिसेबल और फोर स्टॉप करना है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ और फिर आपको अपना फ़ोन दोस्तों बिल्कुल बैक कर लेना। बिल्कुल हमें बैक आना है, तो मैं बैक कर लेता हूँ अपना फ़ोन। तो यहाँ से बैक करने के बाद दोस्तों आपको फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है यानी कि अपना फ़ोन दोस्तों नेक्स्ट करना है। तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ नेक्स्ट करना है, यहाँ एग्री पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ स्किप। और यहाँ डोंट कॉपी का ऑप्शन के बाद दोस्तों ये आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि डोंट कॉपी का ऑप्शन आएगा पहले। तो मैं डोंट कॉपी पे क्लिक करके और दोस्तों चेक इन फॉर अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ डोंट कॉपी पे क्लिक करना आ चुका है। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा इसमें जो हम यानी कि चेक इन फॉर अपडेट होता रहेगा, इसलिए होगा दोस्तों ये क्योंकि हमने जो गूगल प्ले सर्विस बंद करी है वो इसे आगे नहीं जाने देने की। तो हमें सबसे पहले गूगल प्ले सर्विस ऑन करनी है। तो हमें 3 डॉट पर क्लिक करना सबसे पहले, फिर असिस्टेंट पर क्लिक करना और फिर इसके बाद दोस्तों एकदम सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर दोस्तों असिस्टेंट पर क्लिक करना। तो मैं कर लेता हूँ।
थ्री डॉट पे, फिर असिस्टेंट पे, फिर दोस्तों एकदम माइक का जो ऑप्शन आया था पहले, यानी कि इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, एक क्लोज अप कर देता हूँ पहले मैं, फिर असिस्टेंट पे, फिर हाँ दोस्तों आ चुका है, फिर चले गया। ये कई बार में आता है दोस्तों, आप कभी दो तीन बार करके छोड़ दें, ये आ चुका है हमारा, तो इस पर क्लिक करना फिर। और इसके बाद दोस्तों यहाँ फिर हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, तो हेल्प में जाना है, तो मैं चले आता हूँ दोस्तों हेल्प में। और जैसे ही हम हेल्प में जाएंगे, यहाँ दोस्तों हमारा जो ब्राउज़र होता है फ़ोन का वो खुल जाएगा। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ होम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, जो हमारा यहाँ यूट्यूब का ऑप्शन आ जाएगा, तो यूट्यूब पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम यूट्यूब पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जो हमें ये यूट्यूब ओपन नहीं होने का, गूगल प्ले सर्विस इनेबल करने के लिए बोलेगा। तो हमें यहाँ से इसका पहले स्टोरेज में जाना है और इसका क्लियर डाटा यहाँ से कर देना। फिर दोस्तों आपको यहाँ इनेबल, जो हमने डिसेबल करी थी वो गूगल प्ले सर्विस, उसे इनेबल करनी है। और इनेबल करने के बाद दोस्तों अपना फ़ोन बैक कर लेना। बैक करेंगे जैसे ही हम, जो हमारा चेक इन फॉर अपडेट होता वो अब नहीं होने का दोस्तों, बिल्कुल हमारा फ़ोन आगे बढ़ जाएगा। यहाँ देख सकते दोस्तों, चेक इन फॉर अपडेट अब आ चुका गूगल सर्विस, और ये हमारा फ़ोन दोस्तों बिल्कुल आगे बढ़ चुका। तो आपको भी अपना फ़ोन दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी A1 या A1 Plus फ़ोन है, तो आपको अपने फ़ोन की दोस्तों इसी तरीके से FRP बाईपास करनी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते दोस्तों, जो हमारे फ़ोन का सेटअप था वो बिल्कुल फाइनली कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ दोस्तों हमें नेक्स्ट करना बस। तो ये हमारा फ़ोन दोस्तों बिल्कुल ओके हो चुका है। तो आपको भी अपना फ़ोन दोस्तों इसी तरीके से सही करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारा फ़ोन है बिल्कुल ओके खुल चुका है, और इसे हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ एक्सेसिबिलिटी मेन्यू जो ऑन करी थी उसे यहाँ से ऑफ कर लेना। तो मैं कर लेता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो देखना। आपको दिन